हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकेंड वीडियो है ट्रांसफार्मर के ऊपर। आपको याद होगा डे प्रीवियस वीडियो, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अब वहाँ से अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस वीडियो ट्रांसफार्मर के ऊपर नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को वॉच करना बेटे, उसके बाद में ये आपको क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी लॉसेस डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, ट्रांसफार्मर क्या है, उसका फंक्शन क्या है बेटे, कितने टाइप का होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं उसके अंदर, विच इज़ बेटर डिज़ाइन, कौन सा बेटर डिज़ाइन होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। वर्किंग के अंदर एजम्पशंस क्या थे, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो करंट को कम करता है, नहीं तो बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे कहाँ से होगा। अगर एक चीज़ को बढ़ा रहा है, वो चीज़ को दूसरी चीज़ को कम करना होगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो बेटे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी। पहले तो उस वीडियो को वॉच करना, फिर इस वीडियो को वॉच करना, आप देखते रहना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। बिकॉज एनर्जी लॉसेस के ऊपर काफ़ी सारी रीजनिंग कि उसका रीज़न क्या है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बेटे पहला एनर्जी लॉस हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर फर्स्ट एनर्जी लॉस क्या है बेटे। तो पहला लॉस जो मुझे आपको डिस्क्राइब करना है, फ्लक्स लीकेज। बेटे फ्लक्स लीकेज का क्या बेसिक कॉज है, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज बेटे पुअर डिज़ाइन ऑफ द कोर। सारा प्राइमरी के अंदर जो फ्लक्स लिंक्ड होता है बेटे, वो सेकेंडरी तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। पुअर डिजाइनिंग की वजह से, एयर गैप की वजह से वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि बाहर लीक हो जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर बीइंग अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो बाउंड तो करता है, उसे इकट्ठा तो करता है रे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, ठीक है। सो सारा प्राइमरी का जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी कॉइल तक नहीं पहुँच पाता है बेटे, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है, दैट्स वाई ये नाम दिया बेटे लीकेज। अब इसको बेटे अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द फ्लक्स लीकेज, तो मैंने लिखा है बेटे ड्यू टू द पुअर डिज़ाइन ऑफ द कोर, ऑल द फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी कॉइल डज नॉट रीचेज टू द सेकेंडरी कॉइल, वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, और एयर गैप ऑफ द कोर की वजह से, आप एयर गैप भी बोल देते हैं, एयर गैप होने की वजह से, गैप्स होने की वजह से भी कोर के अंदर प्राइमरी का टोटल फ्लक्स सेकेंडरी तक नहीं पहुँचता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 100% तो देखो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको लीकेज होगा, थोड़ा बहुत लीकेज तो 100% होगा उसके अंदर, लेकिन हम कम कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया था बेटे, अगर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को एक ही लिम पर एक साथ वाउंड कर दे हम, वन ओवर द अदर, ठीक है, एक को वाउंड करके फिर उसी के अबाव दूसरे को वाउंड कर दे, तो हम काफ़ी हद तक फ्लक्स लीकेज को कम कर सकते हैं। और दूसरा बेटे सॉफ्ट आयरन कोर तो हम यूज़ ही करते हैं, और यही तो वो काम करता है बेटे, जो बाइंड करके रखता है, उसके लीकेज नहीं होने देता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करके रखता है अपने अंदर, ठीक है, उसे पकड़ लेता है और पकड़ के किसके पास पहुंचा देता है, सेकेंडरी के पास, लीकेज नहीं होने देगा, ठीक है। क्योंकि बेटे बीइंग फेरोमैग्नेटिक ये क्या रहता है, इसकी परमिएबिलिटी जो है बेटे वो बहुत हाई होती है, ठीक है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना बेटे, कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, दिस इज फेरोमैग्नेटिक, अगर मैं ये कह रही हूँ सॉफ्ट आयरन है बेटे, अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये जो नेबरिंग वाली लाइंस जा रही हैं यहाँ से भी लाइंस, उनको भी खींच लेगा अपने अंदर, अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि इसकी इतनी हाई परमिएबिलिटी होती है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर लेता है, हाईली परमिएबल है, ठीक है। तो जो नेबरिंग लाइंस हैं उनको भी ये अपने पास अट्रैक्ट करके, देखो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दी इसने, ठीक है, सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, हाईली परमिएबल है, दैट्स वाई बेटे ये प्राइमरी से फ्लक्स को बाइंड करके किसके पास पहुँचा देता है, सेकेंडरी के पास पहुँचा देता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका रीज़न भी, लॉस क्यों होता है, और हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 100% तो पॉसिबल नहीं है बेटे उसको अवॉइड करना, लेकिन हाँ रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड लॉस पे जाएंगे, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे और नोट्स मेंटेन कर लेना। सेकंड एनर्जी लॉस पे जाते हैं बेटे, एनर्जी लॉस क्या है और उसको फिर हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, यानी कि उसको कैसे हम रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं एनर्जी लॉस को, ठीक है। तो बेटे एक तो आपके पास दो टाइप का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, एंड जो रेजिस्टेंस है बेटे प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल बेटे मेटल से बने हुए हैं, ठीक है, और मेटल का एक रेजिस्टेंस रहता है, और रेजिस्टेंस रहेगा तो जैसे करंट फ्लो करेगा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि एनर्जी लॉस होगी हमारे पास, एनर्जी लॉस होगा बेटे इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आप जानते हैं हीट कितना आता है बेटे आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जो हीट प्रोड्यूस होता है एक तो करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच इट इज़ पास्ट, ठीक है। तो मैं हीट के बारे में बात करी बेटे, एनर्जी लॉस होगा हीट की फॉर्म में, राइट। अब हम इसको देखते हैं बेटे हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, पहले हम देखेंगे स्टेप अप में क्या होता है और स्टेप डाउन में क्या होता है।
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है बेटा, स्टेप अप क्या करता है, लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, यानी कि लो वोल्टेज को ध्यान रखना बेटे, एसी की बात करें, लो वोल्टेज को किस में चेंज कर देगा, स्टेप अप हाई वोल्टेज में, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहां भी लो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर रहा है बेटे, हाई। स्टेप डाउन क्या कर रहा है बेटे, ये हाई वोल्टेज को, अब मैं हाई लिख रही हूँ बेटे, ऑल्टरनेटिंग अपने आप समझ जाइए, हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दैट मीन्स हाई वोल्टेज को ये क्या कर रहा है बेटे, लो वोल्टेज में कर रहा है, स्टेप डाउन कम कर दिया, हाई से लो पे आ गए तो क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन, एक स्टेप नीचे आ गए, लो वोल्टेज। अब मैंने क्या बताया था बेटे वर्किंग के अंदर, ठीक है, फिर बता रही हूँ बेटे, जिस बच्चे को क्लियर नहीं है प्रीवियस वीडियो वॉच करिए पहले। अगर स्टेप अप वाला बेटे वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो करंट को कम कर रहा है, तो उसका मतलब स्टेप अप वाला क्या कर रहा है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज ले जा रहा है, तो करंट को बेटे जहां वोल्टेज हाई हो गया वहां करंट कम हो जाएगा, और जहां वोल्टेज कम है वहां करंट ज्यादा है, यानी कि हाई करंट, ठीक है, यहां हाई वोल्टेज हो गया तो ये हाई करंट को किस में चेंज कर रहा है, लो करंट, राइट। सो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर रहा है, तो करंट को बेटे, ठीक है, हाई से लो कर रहा है, देखो वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट को कम कर दिया, ठीक है, ऐसे इधर आ जाइए बेटे, वोल्टेज को कम कर दिया तो करंट को बढ़ा दिया, तो यहां क्या करेगा बेटे, यहां पे क्या रहेगा, करंट बढ़ जाएगा, तो यहां पे हाई करंट आ जाएगा, अब देखेंगे बेटे, यानी कि अपना जो हिसाब है वो बराबर कर लिया उसने, ठीक है, अगर वोल्टेज को बढ़ाया है, ठीक है, तो देखो बेटे करंट को लो कर दिया है, अगर वोल्टेज को लो किया है तो करंट को जो है बढ़ा दिया है। अब प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है बेटे, जहाँ करंट हाई हो जाएगा वहाँ हम प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। देखिए बेटे, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आई स्क्वायर, करंट का जो स्क्वायर है, वहाँ प्रॉब्लम आने वाली है हमें। अब यहाँ देखिए बेटे, जहाँ लो करंट है तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटे यहाँ पे लो करंट होगा, लेस वैल्यू ऑफ करंट, तो हीट करंट के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो हमें इतना सर दर्द नहीं है, तो ये तो हमारा हेडेक नहीं है लो करंट, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन बेटे ये तो हमारा हेडेक हो सकता है ना। यहाँ देखिए बेटे, यहाँ हाई करंट है, अगर आप हाई करंट लेके चलेंगे तो हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा बेटे, हीट जो है बेटे वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, अगर हाई करंट है तो करंट का स्क्वायर पे हीट डिपेंड करेगा, जो हीट प्रोड्यूस होगा। अब आप क्या करेंगे, अब थोड़ा लॉजिक लगाइए बेटे, अगर हाई करंट है और करंट की वजह से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो बाकी हीट का फॉर्मूला देखना बेटे, हीट क्या होता है, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो करंट हाई है तो आप किसी तरह से रेजिस्टेंस को कम कर दीजिए बेटे, करंट अगर हाई है, ठीक है, तो बेटे कहाँ पे बेटे, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लो करंट है, हीट कम प्रोड्यूस होगी, लेकिन यहाँ हमें प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ हमें, यानी कि इसके अंदर हमें आउटपुट में प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू कम है तो हीट कम होगी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो बेटे हम क्या करेंगे, अगर करंट जो है बेटे वो ज़्यादा हो गया है, तो करंट तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम एक ऑप्शन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे रेजिस्टेंस को कम कैसे कर सकते हैं बेटे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, वहाँ से हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया के क्या है, इनवर्स है, दैट मीन्स अगर आप थिक वायर यूज़ करेंगे, थिक वायर यूज़ करेंगे, सो थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, तो उसका मतलब बेटे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी होता है बेटे, यहाँ पे प्राइमरी होता है और ये क्या मिलता है आपको, सेकेंडरी, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर जो हम कॉइल यूज़ करेंगे, प्राइमरी वाला कॉइल, उसको थिक यूज़ करेंगे। अब देखिए बेटे ये क्यों यूज़ करेंगे थिक, ठीक है, बिकॉज थिक होगा तो एरिया जो क्रॉस सेक्शन है वायर का, यानी कि एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा, तो बेटे थिक वायर यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं बेटे, अगर आपके पास फालतू पैसे हैं तो बेटे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, देखो बेटे यहाँ पे तो करंट ऑलरेडी लो है ना, तो इसका अलावा हीट तो कम ही प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा नहीं होगी, अगर आपको एक्सपेंस बढ़ाना है, अपना खर्चा ज़्यादा करना है, तो आप यहाँ भी थिक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटे अगर हम एक्सपेंस रिड्यूस करना चाहते हैं तो थिक वायर हम वहाँ पर लगाएंगे कॉइल का जहाँ पे करंट ज़्यादा होगा, ध्यान रखना बेटे जहाँ हाई करंट होगा वहाँ जो कॉइल है वो थिक वाला बनाएंगे, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी कॉइल होता है बेटे, प्राइमरी वाला कॉइल, उसको तो थिक बनाते हैं, यानी कि थिकनेस ज़्यादा होगी, देखिए बेटे थिकनेस ज़्यादा है, दैट मीन्स ये आप ज़्यादा थिक लेके चलेंगे, देखो बेटे मैं इसकी थिकनेस बढ़ा रही हूँ, यानी कि थिकनेस मोटा वाला वायर लेके चलेंगे, और इधर जो वायर है सेकेंडरी में वो नॉर्मल लेके चलेंगे, जो हम नॉर्मल लेते हैं, तो इसका मतलब जो थिक वायर है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायर थिक कहाँ पर लेंगे, जहाँ करंट ज़्यादा होगा,
क्योंकि बेटे करंट तो ज़्यादा है, तो हीट को कम करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है रेजिस्टेंस को कम करना। रेजिस्टेंस एरिया के क्या आ रहा है बेटे, इन्वर्स आ रहा है, तो उसका मतलब वायर का जो थिकनेस है उसको बढ़ा देंगे। अगर थिकनेस बढ़ जाएगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो बेटे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, हीट लॉस डिक्रीज हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, जहाँ पर हाई करंट होगा, ठीक है बेटे, उस साइड में जो हम कॉइल यूज़ करने वाले हैं वो थिक रहने वाला है, और दूसरी तरफ पे हम थिन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उधर भी थिक लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो और कम कर देगा हीट लॉस को, लेकिन एक्सपेंस बढ़ जाएगा हमारा, खर्चा बेटे। मेटल फ्री का थोड़ा आता है कि आप उसको थिक लगा दोगे तो वो फ्री का मेटल मिल रहा है, वहाँ भी तो एक्सपेंस देखना है आपको। तो जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ हाईली रिक्वायर्ड होगा वो, वहीं पर हम उसको थिक बनाएंगे। तो बेटे जहाँ पर आपका लो करंट है वहाँ पर हमें थिक यूज़ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा थिन वायर से भी काम चल जाएगा। लेकिन बेटे जहाँ हाई करंट है वहाँ पर हमें वायर कैसा लेना पड़ेगा, थिक वायर लेना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को तो बढ़ाता है बेटे, ठीक है, तो करंट को कम कर देता है। तो यहाँ इनपुट में करंट ज़्यादा रहता है, तो यहाँ एनर्जी लॉस को अवॉइड करने के लिए हम प्राइमरी कॉइल को कैसा बनाते हैं, थिक लेते हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी है उसको थिन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आ जाइए, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाइए। देखिए बेटे जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसने क्या किया बेटे, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कर दिया, यानी कि पहले हाई था वोल्टेज, लो वोल्टेज कर दिया, और करंट को कैसे कर दिया, लो टू हाई कर दिया। बेटे जहाँ करंट लो है ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करंट कम है तो हीट कम ही प्रोड्यूस होगी ना बेटे। हीट देखो बेटे आई स्क्वायर आर टी, करंट का स्क्वायर, अगर करंट की वैल्यू लेस है तो हीट भी लेस आएगी आपके पास में, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसके पास पैसे ज़्यादा हो खर्चा कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन बेटे यहाँ हमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हमें, आपको दिख रहा है बेटे करंट हाई है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जरा जज करना बेटे, क्या आएगा आपके पास में, हीट क्या आएगा बेटे, आई स्क्वायर आर टी, सो बेटे करंट का स्क्वायर। अब आप देखिए हाई करंट होगा और आप कोई इसके अंदर काम नहीं करेंगे तो हीट कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसने वोल्टेज को लो कर दिया तो करंट को तो बढ़ा दिया, तो हमें तो वोल्टेज लो चाहिए था लेकिन करंट को बढ़ा दिया, अब ये सरदर्द हो गया है। अब इस सरदर्द का सोल्यूशन क्या है, करंट तो बढ़ गया लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर दें हम किसी तरीके से, ठीक है। तो आउटपुट के रेजिस्टेंस को मुझे कम करना है, कैसे करेंगे बेटे, तो आउटपुट यानी कि सेकेंडरी, इनपुट किससे मिलता है बेटे, प्राइमरी से देते हैं हम, ठीक है, और आउटपुट किससे मिलता है, सेकेंडरी से। तो आउटपुट के अंदर मुझे हीट लॉस को कम करना है, करंट तो ज़्यादा हो गया आउटपुट में, तो रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। तो जो वायर हम यूज़ करेंगे सेकेंडरी कॉइल के लिए, यानी कि जो वायर यूज़ करेंगे कैसा यूज़ करेंगे बेटे, थिक वायर यूज़ करेंगे। वायर थिक होगा बेटे तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटे, देखिए एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप इंक्रीज कर देंगे यानी कि थिक वायर यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा बेटे, रेजिस्टेंस डिक्रीज देन हीट लॉस क्या हो गया, डिक्रीज। तो अब स्टेप डाउन के अंदर बेटे सेकेंडरी जो होगा उसको हम थिक लेके चलेंगे, यानी कि थिक वायर से बनाएंगे, इसको थिन ले लेंगे, यानी कि ये पतले वायर से बना देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बेटे इसको हम थोड़ा थिक वायर लेके चलेंगे और थोड़ा मोटे वायर से बनाएंगे, थिक वायर से, यानी कि थिकनेस ज़्यादा रखेंगे इसके अंदर, बिकॉज बेटे थिकनेस ज़्यादा होगी तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हीट लॉस क्या हो जाएगा, कम। अब आप मुझे आंसर कर सकते हैं बेटे इस चीज़ के लिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अंदर अगर थिकनेस की बात करें तो स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ा रहा है तो करंट को कम कर रहा है, तो आउटपुट में करंट तो कम हो गया लेकिन इनपुट में ज़्यादा था, तो इनपुट के लिए जो कॉइल यूज़ करेंगे वो थिक होगा। स्टेप डाउन के लिए क्या होगा बेटे, स्टेप डाउन वाला वोल्टेज को कम कर रहा है तो करंट बढ़ा दिया उसने, और करंट बढ़ा दिया तो आउटपुट में एनर्जी लॉस हीट की फॉर्म में बहुत ज़्यादा होगा, तो हम आउटपुट के लिए थिक यूज़ करेंगे और इनपुट के लिए प्राइमरी कॉइल को क्या यूज़ करेंगे, थिन यूज़ करेंगे, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटे, ये डिफरेंट एग्जाम्स में आपको मिलता है। सो जो थिकनेस की वेरिएशन है कि कैसे कौन से वाले को थिन रखना है, किसको थिक रखना है, वो करंट, फिर बता रही हूँ करंट डिसाइड करेगा। जहाँ ज़्यादा करंट होगा, हिंट दे रही हूँ बेटे, जिसमें भी हाई करंट होगा वहाँ पर आप जो कॉइल होगा उसको आप थिक लेके चलेंगे, ठीक है, और जहाँ लो करंट है वहाँ पे थिक लेने की जरूरत नहीं है, थिन से काम चल जाएगा। थिक लेना है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस मेटल में लगाना है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कॉज था बेटे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस जो है वाइंडिंग्स का, जो कॉइल्स हैं उनका रिड्यूस करना हो, तो आप कह सकते हैं कि वायर को हम थिक यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है बेटे, जो हीट लॉस है उसको जो है हम क्या कर सकते हैं बेटे, कम कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कम देन हीट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट्स बना लेना बेटे इसको लेकर, जो चीज़ मैंने बताई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स बना लेंगे बेटे।
नेक्स्ट लॉस पे आते हैं बेटे, जो एनर्जी लॉस होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर बिकॉज ऑफ द एडी करंट्स, बिकॉज एडी करंट्स आर ऑलवेज एसोशिएटेड विद द एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। जहाँ भी एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं बेटे, तो एडी करंट्स के अंदर हमेशा एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बेटे, आप जानते हैं बेटे कि अगर हम बात करें एक थिक ऑब्जेक्ट की, दैट मीन्स जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन का कोर है बेटे, ये हमारे पास में टू डायमेंशन नहीं है, ये हमारे पास थ्री डायमेंशन एक ब्लॉक है, दैट मीन्स एक थ्री डायमेंशन ब्लॉक है। और यहाँ पर भी इसी तरीके से बेटे इसका पूरा सिस्टम है, दैट मीन्स ये थ्री डायमेंशन ब्लॉक है, ये पूरा मेटल है हमारे पास, कंप्लीट मेटल, ठीक है, ये कंप्लीट मेटल है, 3D फिगर है, ये पूरा मेटल है बेटे, ठीक है। और यहाँ पर सपोज करो एयर गैप है, तो क्या होगा बेटे, 3D के अंदर करंट के लूप कैसे बनते हैं, अगर यहाँ पर आपने प्राइमरी कॉयल इसको वाउंड किया हुआ है, ये थ्री डायमेंशन है, दिस इज प्राइमरी, और यहाँ पर सेकेंडरी है, तो जैसे ही आप प्राइमरी और सेकेंडरी में करंट, सॉरी बेटे, प्राइमरी के अंदर इनपुट देंगे, दिस इज इनपुट, ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, सॉफ्ट आयरन इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को इसके पास पहुंचा देगा, तो हम कह सकते हैं बेटे जितना इसके अंदर चेंज होगा कुछ लॉसेस होंगे लेकिन ऑलमोस्ट इसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर फ्लक्स को लीक नहीं होने देगा, कम लीक होने देगा, ठीक है, सारे मैग्नेटिक फ्लक्स को इसके पास पहुंचा देगा। तो जैसे इसमें करंट पास करोगे प्राइमरी के अंदर, ठीक है, और उसको वैरी करेंगे, करंट को वैरी करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑलरेडी वैरी हो रहा है, ठीक है, तो जैसे इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा बेटे, तो ये वाउंड किसके ऊपर है, सॉफ्ट आयरन, तो सॉफ्ट आयरन भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसके अंदर भी फ्लक्स चेंज होगा, और सॉफ्ट आयरन के अंदर, दैट मीन सॉलिड बल्क पीसेस के अंदर जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द बल्क पीस, सॉलिड मेटल पीस, पूरे बॉडी के अंदर EMF डेवलप होता है, और बेटे EMF डेवलप होता है तो लूप्स बन जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, ऐसे नहीं बेटे एक पार्ट में, एवरीवेयर लूप बन जाएंगे, करंट लूप बन जाएंगे, और आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं कितने सारे लूप बनेंगे, पूरी बॉडी में आएंगे बेटे इसके, थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। और बेटे आप इमेजिन करिए इतने सारे करंट लूप थ्रू आउट द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इसके अंदर फॉर्म होंगे, तो हीट लॉस कितना होगा, बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप जानते हैं बेटे लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं हम, क्या होता है बेटे लैमिनेटेड कोर, हम पूरे कोर को थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे कि आपके पास में ब्रेड और जैम वाला लेयर आप लेते हैं, कि ब्रेड है फिर जैम की लेयर, तो पहले एक शीट, देन उसके ऊपर इंसुलेटर की लेयर, देन नेक्स्ट शीट उसके बाद में, देन इंसुलेटर की लेयर, देन नेक्स्ट शीट, देन इंसुलेटर की लेयर, इस तरह से हम अलग अलग लेयर्स बना के इसको काफ़ी थिक कर देते हैं, यानी कि पूरा सॉलिड बल्क ना लेकर उसको पतले पतले शीट्स में डिवाइड करके बीच में इंसुलेटर की लेयर डाल करके फिर उसको बांध देते हैं पूरा, दैट मीन्स ऊपर से कॉपर के वायर्स को उसके ऊपर वाइंड कर देंगे। तो बेटे इससे क्या बेनिफिट होगा, अब देखो जब लेयर्स में करके बीच में इंसुलेटर की लेयर डाल दोगे थिन शीट्स में डिवाइड करके, तो वो करंट के लूप का जो पाथ है बेटे, जो थ्री डायमेंशनली इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले थे, उसको काफ़ी हद तक कम कर देगा, बिकॉज इंसुलेटर की लेयर आ जाएगी तो करंट के पाथ में ब्लॉकेज आ जाएगा, तो जो लूप्स थे, ठीक है, उनका जो पाथ था बेटे, वो थ्री डायमेंशनली भी बन रहे थे, वो बेटे टू डायमेंशन में रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि आपने पतली पतली शीट्स बना के बीच में इंसुलेटर की लेयर डाल दी, तो आपने क्या करा, एडी करंट के पाथ को हाईली रिड्यूस कर दिया, दैट मीन्स एडी करंट भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सो एडी करंट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर में हम क्या करते हैं बेटे, थिन शीट्स बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, थिक ब्लॉक, थिक मेटलिक सॉफ्ट आयरन कोर इज डिवाइडेड इंटू थिन शीट्स एंड बाई प्लेसिंग अ इंसुलेटिंग मटेरियल एग्जाम्पल लैक्वर इन बिटवीन द शीट्स देन द पाथ ऑफ द एडी करंट्स इज हाईली रिड्यूस सो एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज हाईली रिड्यूस। उसको काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं बेटे, बिल्कुल प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं बेटे लैमिनेटेड कोर का यूज़ करके हम एडी करंट के अंदर जो हीट लॉस होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। दोबारा देखिए बेटे, थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, उसको जब शीट्स में कट करोगे, सो थ्री डायमेंशन को शीट्स में पतले पतले कट करके बीच में इंसुलेटर की लेयर डाल करके जो शीट्स आ गई वो टू डायमेंशन में आ गई, तो अब बहुत सारे लूप्स बेटे जो थ्री डायमेंशन वे में बन रहे थे वो नहीं बनेंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे टू डायमेंशन में, बिकॉज इंसुलेटर की लेयर उसके पाथ को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। तो पूरे थिक ब्लॉक को थिन शीट्स में डिवाइड करो, बीच में इंसुलेटर की लेयर डाल दो, क्या बोलेंगे ऐसे कोर को, लैमिनेटेड कोर। सो बेटे ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, लैमिनेटेड कोर कैसे आता है, किस तरह से ये एनर्जी लॉस को प्रिवेंट करता है, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट बेटे, मैं नेक्स्ट एनर्जी लॉस को डिस्कस करने वाली हूँ बेटे, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ इसको, लैमिनेटेड कोर इज यूज इट, लैमिनेटेड कोर दैट इज यूज इन द ट्रांसफॉर्मर
ठीक है, जो लैमिनेटेड कोर हम बेटे ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं उसका बेसिक हेल्प हमें क्या मिलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पाथ होता है बेटे एडी करंट्स का वो डिक्रीज हो जाता है। लैमिनेटेड कोर दैट इज़ यूज इन द ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस द पाथ ऑफ द एडी करंट और डिक्रीजेस अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय लैमिनेटेड कोर, सो आप क्या कहेंगे, थिक सॉफ्ट आयरन कोर इज डिवाइडेड इनटू थिन शीट्स एंड सम इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक लैक्वर इज प्लेस इन बिटवीन द शीट, देन सच अ अरेंजमेंट इज नोन एज लैमिनेटेड कोर। थिक मेटेलिक ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू थिन शीट्स, दैट मीन्स थ्री डायमेंशन से टू डायमेंशन में ले आते हैं बाई प्लेसिंग सम इंसुलेटिंग मटेरियल इन बिटवीन द शीट्स, ठीक है, जिसकी वजह से बेटे वो इंसुलेटर ब्लॉक कर देता है करंट के पाथ को, तो पूरे थ्री डायमेंशनली ऑब्जेक्ट में वो करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, टू डायमेंशन वे तक रह जाते हैं, राइट। इसको बेटे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटे हिस्टेरेसिस लॉस। अब इसके लिए बेटे काफ़ी हमें डिटेल नॉलेज होनी चाहिए हिस्टेरेसिस के बारे में। अब हिस्टेरेसिस के बारे में मैं एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, जिससे हिस्टेरेसिस जो फिनोमिनन है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पर समझना है इसको शॉर्ट वे में, तो बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं। एसी बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट बन की बार बार मैग्नीट्यूड में भी चेंज होता रहता है और डायरेक्शन भी पीरियोडिकली रिवर्स होती है। एसी किसे बोलते हैं बेटे, जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। यानी कि इस टाइप का वोल्टेज या करंट की बात करें जो बार बार डायरेक्शन चेंज करा है फिक्स टाइम के बाद में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर है पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ठीक है। और बेटे मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस हैं, तो बार बार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। बेटे अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा करंट का, इंक्रीज होगा, देन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो बेटे सब्सटेंस जो भी है आपका, जो सॉफ्ट आयरन है या जो भी सब्सटेंस है, वो मैग्नेटाइज हो गया, राइट, मैग्नेटाइज हो गया। जब करंट डिक्रीज करेगा वो डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है। अब आपके पास जो सोलिनॉइड है, जब उसके अंदर करंट पास करते हैं, जो कॉइल्स हैं वो सोलिनॉइड की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, सोलिनॉइड ही है, उसके अंदर जब आप करंट पास करोगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। देन आप उसको रिड्यूस करेंगे, देन डीमैग्नेटाइज होगा, देन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, देन अगेन रीमैग्नेटाइज होगा। तो बेटे जैसे जैसे ये चेंज होता रहेगा, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक्ड है वो भी तो चेंज होगी ना बेटे। करंट इंक्रीज करेगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, देन वो डिक्रीज करेगा, डीमैग्नेटाइजेशन, देन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन, अगेन रीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सो बेटे अगेन अगेन इस प्रोसेस में एनर्जी वेस्ट होती है, काफ़ी सारी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर होता है बेटे एनर्जी का, और इसको क्या बोलते हैं, काफ़ी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है इस प्रोसेस में। दैट इज वॉट इस प्रोसेस में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। And demagnetization and then remagnetization. Again यही चलता रहता है, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, देन अपोजिट डायरेक्शन में रीमैग्नेटाइजेशन, देन डीमैग्नेटाइजेशन, अगेन एंड अगेन। और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है, एंड द एनर्जी वेस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज नोन एज हिस्टेरेसिस लॉस। इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेटे, अगर हम स्टील के लिए देखें बेटे, तो स्टील के लिए जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि हिस्टेरेसिस लूप का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है वो डिस्कस करूँगी, मैंने बताया अलग से वीडियो बनाऊँगी बेटे मैं हिस्टेरेसिस के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप तक पहुँच पाएँ। मैं बहुत ईजी और कम्फर्टेबल लेवल से आपको चीज़ें समझा रही हूँ, ताकि आपको जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगते हैं वो ईजिली समझ में आ जाएँ, राइट। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है वो वेस्ट हो गया बेटे, हीट की फॉर्म में वो भी रिलीज हो गया, सो दैट मीन्स एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है इसके अंदर भी। स्टील के अंदर बेटे ज़्यादा हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया आता है, सॉफ्ट आयरन के अंदर काफ़ी पतला सा कर्व आता है, बहुत कम होता है उसका एनर्जी लॉस। तो हम कहेंगे सॉफ्ट आयरन कोर ही हम यूज़ करके, यानी कि ऐसा मटेरियल यूज़ करके जो ज़्यादा जो लॉस है उसको प्रिवेंट कर सकता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस लूप जिसका एरिया कम आएगा हम उसको यूज़ करते हैं, और वो बेस्ट हमारे पास क्या है, सॉफ्ट आयरन। और ये सेकंड रीज़न है सॉफ्ट आयरन को यूज़ करने का, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बेटे सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, दैट्स वाई हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटे एक और एनर्जी लॉस के बारे में हम बात कर सकते हैं बेटे, यहाँ पे बता रही बेटे इसका यूज़ क्या है बेटे, आप इसको यूज़ करेंगे सॉफ्ट आयरन,
जिसका हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, क्योंकि उसका जो लूप का एरिया होता है हिस्टेरेसिस लूप का वो कम रहता है, लेस एरिया और द हिस्टेरेसिस लूप, सो लेस एनर्जी लॉस, राइट। अब नेक्स्ट क्या बेटे, ह्यूमिंग लॉस। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर सम नॉइस इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे बेटे, सो कुछ थोड़ा थोड़ा सा नॉइज आती रहती है ड्यूरिंग इट्स वर्किंग, ठीक है। तो सम ऑफ द एनर्जी इज ऑल्सो वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ नॉइज, कुछ एनर्जी बेटे नॉइज की फॉर्म में भी वेस्ट हो जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर लॉस इज नोन एज ह्यूमिंग लॉस। उसको क्या बोलते हैं बेटे, ह्यूमिंग लॉस बोलते हैं। सो बेटे ये 5 एनर्जी लॉसेज हैं, अगर इसको सम अप करें, 1 फ्लक्स लीकेज, 2 ठीक है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल्स, ठीक है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, देन 3rd क्या था बेटे एडी करंट्स, 4th क्या था हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है 5 क्या है ह्यूमिंग लॉस। तो बेटे ये सारे लॉसेस आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से बताए हैं, इसको आप ढंग से प्रिपेयर करके अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए बेटे हम क्या यूज़ करेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस के लिए, सॉफ्ट आयरन कोर, क्या है बेटे, हैविंग लेस एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया आता है इसके अंदर कम आता है, तो एनर्जी लॉस कम होता है किसके अंदर बेटे, सॉफ्ट आयरन के अंदर, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर होंगी बेटे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जो भी मैंने आपको समझाया है, टेक द स्क्रीनशॉट, राइट। और बेटे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, एक काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, एसी डीसी अल्टरनेटिंग करंट क्या रहता है, डायरेक्ट करंट क्या रहता है, क्या उनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, विच इज़ मोर हार्मफुल, ठीक है, हमारे लिए कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, किसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो एसी और डीसी के अंदर जितने कंपैरेटिवली डिफरेंसेस हैं, चाहे बेटे वो हमको ये देखना हो कि कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है, जैसे बेसिकली क्वेश्चन भी आ जाता है बेटे कि जो एसी है वो मोर हार्मफुल है देन डीसी, तो इसका रीज़न क्या है कि एसी मोर हार्मफुल क्यों है। और फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि बेसिकली हम ट्रांसपोर्टेशन में जब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं बेटे, ठीक है, उसके अंदर हम एसी ही क्यों यूज़ करते हैं, डीसी क्यों नहीं यूज़ करते हैं। सो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें मैं आपको एसी और डीसी को कंपेयर करने वाली हूँ। सो बेटे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोज़ को आप प्लीज़ लाइक करें अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ।